हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कुश्ती के दो खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। अब सवाल यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने से हरियाणा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है, तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद। कुछ दिन पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कयासों का जो दौर है वो शुरू हो गया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आते हैं अपने सवाल पर कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के पार्टी ज्वाइन करने से, यानी कि कांग्रेस को ज्वाइन करने से हरियाणा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है। तो कुछ दिन पहले ही विनेश फोगाट ने पंजाब हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंचकर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। फोगाट का राजनीति में प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके कांग्रेस का दामन थामने से खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते का जो लाभ है वो पार्टी को मिल सकता है। वहीं हरियाणा राज्य की पूरी राजनीति जाट बनाम गैर जाट के सियासी और जातीय गोलबंदी के समीकरण पर चलती है। हरियाणा में पिछले एक दशक से जारी भाजपा की सरकार में गैर जाट नेताओं की ताकत बढ़ी है। भाजपा ने पहले मनोहर लाल खट्टर और फिर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले 2005 से लेकर के 14 तक हरियाणा में कांग्रेस ने जाट बिरादरी से आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया था। इसको लेकर के राजनीति प्रतिद्वंद्विता सतह पर आ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में जाट समाज की आबादी 22%, दलित समुदाय की संख्या 21%, ओबीसी वर्ग की आबादी 30% और ब्राह्मणों की संख्या 8% है। वहीं वैश्य का जो संख्या है वो 5% के अराउंड है और पंजाबी 8% है। राजपूत 3.5% और मुसलमान 3.5% के हिसाब से ही है। इसके अलावा बाकी जातियों की सियासी भागीदारी करीब करीब नेग्लिजिबल ही मानी जाती है। इसलिए ज्यादातर बार जाट और बाकी जातियों का समीकरण ही सियासत में चलता है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों हरियाणा के राजनीति में असरदार जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं। हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, जिंद, कैथल, चरखी दादरी और सिरसा तक जाट समुदाय की कई विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला करता है। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से इन इलाकों की 36 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका रखते हैं। इसलिए कांग्रेस ने हुडा परिवार की पैरवी, सहानुभूति लहर और जाट समुदाय के वोटों की उम्मीद में विनेश फोगाट के पक्ष में ये दाव जो है खेला है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में गैर जाट राजनीति करने का आरोप लगाने के जवाब में बीजेपी ने बड़ी संख्या में जाट नेताओं को आगे बढ़ाने का दावा किया है। बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया है। वहीं हाल में किरण चौधरी और सुभाष बराला को राज्यसभा भेजा गया। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के कई जाट नेताओं को टिकट दिया गया है। इनमें से कई नेताओं ने दल बदल कर भाजपा का टिकट हासिल किया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस को ज्वाइन करने से बहुत अच्छा खासा फायदा जो है वो कांग्रेस को होगा। वहीं अब इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।